बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर नौकर ने लूटा, एक दिन पहले ही रखा था काम पर। अकेली रह रही मां की मदद के लिए बेटों ने नौकर रखवाया था। 1 लाख कैश, सोने की 4 चेन, मंगलसूत्र, अंगूठियां, चूड़ियां और अन्य जेवर ले गया नौकर। राजधानी जयपुर में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर नौकर ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 24 घंटे पहले ही काम पर रखे नौकर ने 24 घंटे में ही पूरा घर खंगाल लिया और देर रात करीब 1 बजे मकान मालकिन को बंधक बनाकर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। इस घटना से महिला इतना घबरा गई कि किसी को सूचित तक नहीं कर सकी। बाद में जैसे जैसे पड़ोसियों को इसका पता चला तो पुलिस को बुलाया गया। घटना बजाज नगर थाना क्षेत्र की है। बजाज नगर पुलिस ने बताया कि सरस पुलिया के नजदीक स्थित विवेक विहार में रहने वाली कुसुम लता शर्मा के साथ ये वारदात हुई। उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही विदेश में काम करते हैं। माँ यहाँ अकेली रहती है। कुसुम ने अपने किसी परिचित की मदद से सोमवार को ही नौकर रखा था। नौकर ने खुद का नाम भावेश बताया था। बेटों की मदद से जल्द ही भावेश का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया जाना था, लेकिन इससे पहले ही भावेश ने हाथ मार दिया। कुसुम लता ने पुलिस को बताया कि मंगलवार देर रात करीब 1 बजे वह कुर्सी पर बैठी थी। इसी दौरान भावेश आया और दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बांध दिए, पैर भी कुर्सी के पाए से बांध दिए। उसके बाद महिला ने विरोध किया तो मारपीट की और मुंह को भी बंद कर दिया। फिर भावेश ने कुसुम लता के पास से चाबियों का गुच्छा छीना और घर की एक अलमारी को खोलकर उसमें से जेवर और कैश ले गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नौकर भावेश ने 1 लाख रुपए, कैश, सोने की 4 चेन, सोने की 4 अंगूठियां, सोने की 4 चूड़ियां, कुसुम लता का पहना मंगलसूत्र और उनके पहने हुए जेवर तक भी निकाल लिए। उसके बाद वहां से फरार हो गया। कुसुम ने जैसे तैसे पड़ोसियों को सूचना दी और बाद में पुलिस पहुंची। नौकरों के जरिए चोरी और लूट की वारदात किए 1 महीने में तीसरी वारदात है। इससे पहले आदर्श नगर क्षेत्र में एक नौकर ने घर से लाखों रुपए की हीरे की अंगूठियां चुरा ली थी। उनको वापस देने की एवज में लाखों रुपए मांगे थे। एक अन्य वारदात में मणिपुरा क्षेत्र में एक नौकरानी ने घर में पोछा लगाने के दौरान नजर बचाकर सेफ से 2 लाख रुपए कैश निकाल लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ राजस्थान, जयपुर। मास्क बांध रखा था। अच्छा, वो तो आते ही मेरी आंखों पे पट्टी लगा दी, गला बांध दिया, हाथ पकड़ दिया और अब बोले।